नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, बालाजी प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस। तो आज हम देखेंगे अपनी छत की दीवार, जो हमारी पैरापिट कहते हैं जिसे, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पैरापिट बन रही है, जिसमें हर दो ईंटों के बाद 8-8 mm के सरिये फंसाए जा रहे हैं इसमें, जिससे कि हमारी दीवार की पकड़ बनी रहे और मजबूती बनी रहे। इन फ्यूचर अगर कोई इस पर हाथ रख के खड़ा होता है तो कोई हादसा नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी दीवार बन गई है और ये पिलर में 8-8 mm के सरिये हमने फंसा के छोड़ दिए हैं और अभी इसमें कंक्रीट भरी जाएगी, जिससे कि और भी मजबूती मिल जाए, दीवारों को पकड़ मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जब आप अपना घर बनाएं तो इसी तरीके से पैराफिट आप भी बनवाएं और 8-8 mm के इसमें सरिये फंसा के चलें, जिससे कि ये मजबूत बना रहे। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी दीवार हमारी बन चुकी है और काफ़ी मजबूत दीवार हमारी बन चुकी है। ये देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, बालाजी प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस। तो आज हम देखेंगे अपनी छत की दीवार, जो हमारी पैराफिट कहते हैं जिसे, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पैराफिट बन रही है, जिसमें हर दो ईंटों के बाद 8-8 mm के सरिये फंसाए जा रहे हैं इसमें, जिससे कि हमारी दीवार की पकड़ बनी रहे और मजबूती बनी रहे। इन फ्यूचर अगर कोई इस पर हाथ रख के खड़ा होता है तो कोई हादसा नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी दीवार बन गई है और ये पिलर में 8-8 mm के सरिये हमने फंसा के छोड़ दिए हैं और अभी इसमें कंक्रीट भरी जाएगी, जिससे कि और भी मजबूती मिल जाए, दीवारों को पकड़ मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जब आप अपना घर बनाएं तो इसी तरीके से पैराफिट आप भी बनवाएं और 8-8 mm के इसमें सरिये फंसा के चलें, जिससे कि ये मजबूत बना रहे। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी दीवार हमारी बन चुकी है और काफ़ी मजबूत दीवार हमारी बन चुकी है। ये देखिए दोस्तों।